नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एस्पिरेंट्स फॉर जुडिशियल एंड लॉ एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर चर्चा करेंगे, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 पर। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की डेट ऑफ इनेक्टमेंट है 8 अप्रैल 1932, अर्थात यह है भारतीय भागीदारी अधिनियम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की डेट ऑफ इनेक्टमेंट है 8 अप्रैल 1932, अर्थात ये उस दिन बन गया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 1932 में, इसका मतलब ये प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का एक्ट है। तो उस समय इसको गवर्नर जनरल की अनुमति 8 अप्रैल 1932 को प्राप्त हुई और इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 1 अक्टूबर 1932। लेकिन 1 अक्टूबर 1932 को ये पूरा एक्ट लागू नहीं हुआ था, इसमें सेक्शन 69 इस डेट पर नहीं लागू हुआ था। तो सेक्शन 69 को छोड़कर के बाकी का सारे प्रोविजंस 1 अक्टूबर 1932 को लागू हो गए थे और सेक्शन 69 1 अक्टूबर 1933 को लागू हुआ, अर्थात इसके ठीक एक साल बाद। सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन की बात करता है कि अगर किसी फर्म को का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। इसलिए ये एक वर्ष का समय दिया गया ताकि जो लोग इसके नॉन रजिस्ट्रेशन से होने वाले जो हानियां हैं उनसे जिनको बचना है वो अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लें। जो लोग विलिंगली रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं वो उन डिस्क्वालिफिकेशन के अधीन आ जाएंगे जो सेक्शन 69 में बताई गई। तो इस तरीके से ये पूरा है एक्सेप्ट सेक्शन 69 1 अक्टूबर 1932 को लागू हो गया था और सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1 अक्टूबर 1933 को लागू हुआ। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के आने के पहले भारत में भागीदारी से संबंधित विधि का प्रावधान इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 11 में किया गया था। चैप्टर 11 में सेक्शन 239 से सेक्शन 266 तक में आते हैं। जैसा कि अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट देखेंगे तो उसमें सेक्शन 1 से आपको 75 तक मिलेंगे, फिर 76 से लेकर के 123 तक के प्रोविजंस रिपीट हैं, जिसमें से सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड प्रोविजन थे जिनको आज की डेट में सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। फिर आपको धारा 124 से सेक्शन 124 से 238 तक मिलती है, जिसमें कि इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी तक के प्रोविजंस हैं। फिर आप उसको देखेंगे तो चैप्टर 11 में सेक्शन 239 से सेक्शन 266 तक रिपील कर दिए गए हैं, अर्थात निरसित कर दिए गए हैं, उनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकाल दिया गया है। तो ये जो भागीदारी से संबंधित विधि थी इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा करके एक नया एक्ट बना दिया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से। तो ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं, 74 सेक्शंस हैं, 2 शेड्यूल्स हैं और इसका सेक्शन 73 और शेड्यूल 2 को रिपीलिंग एक्ट 1938 निरसन अधिनियम 1938 द्वारा निरसित कर दिया गया, अर्थात वर्तमान में सेक्शन 73 और सेक्शन 70 शेड्यूल 2 अनुसूची 2 आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं मिलेगी। अगर हम इसके टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करें तो आज की डेट में ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई करता है, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से पहले इसमें होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था। तब 31 अक्टूबर 2019 से पहले तक ये पूरे भारत पर जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके लागू था, लेकिन 2019 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 के अंतर्गत स्पेशल स्टेटस हटाया तो एक जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2009 लाया, जिसकी कि 5th शेड्यूल के टेबल 1 में 106 इंट्रीज हैं जिनके माध्यम से 106 सेंट्रल एक्ट्स को इन्फोर्स कर दिया गया जम्मू और कश्मीर में। तो उसी में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी आता है। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की 5th शेड्यूल की टेबल 1 की इंट्री 102
टू जो इसमें शब्द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उसको हटा देती है। तो अब ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का टेरिटोरियल एक्सटेंड पूरे भारत में लागू होता है। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इससे आगे की चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद।